So let's see our next question. It says we have to find the values of a and b such that the function f defined by जिसकी हमारे पास ये तीन definitions हैं based on these three conditions is a continuous function at the point x is equals to 4. यानी कि x equals to 4 पे अगर ये function हमारा continuous already दे रखा है then हमें find करनी है इन a और b की वैल्यूज को. ओके, तो जैसा कि आपको पता है कि जब कभी भी कोई भी फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होता है देन उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट तीनों आपस में इक्वल होती हैं. ओके, तो हम इसको एनालाइज करेंगे. इस फंक्शन को ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा है कि इस फंक्शन की आपके पास तीन डेफिनेशंस है. तो पहले क्यों ना हम लोग एक काम कर लें कि हम लोग ये देख लें कौन से इनपुट ऑफ एक्स के लिए हमारा फंक्शन किस डेफिनेशन को फॉलो करने वाला है. ओके, सो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे एक रियल लाइन एंड देन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे हम माइनस इन्फिनिटी, यहाँ लिखेंगे हम लोग इन्फिनिटी और हमें देखना है कि हमारा फंक्शन एक्चुअल में ब्रेक कहाँ कहाँ पे हो रहा है. तो हमें यहाँ ब्रेकिंग पॉइंट सिर्फ दिख रहा है 4, तो हम यहाँ पे 4 को भी प्लॉट कर लेंगे. ओके, नाउ x इज इक्वल्स टू 4 पे जो आपके फंक्शन की डेफिनेशन है वो है a प्लस बी. ओके, और जब आपका x लेस देन 4 है यानी कि इधर के सारे पार्ट के लिए आपके फंक्शन की डेफिनेशन है x माइनस 4 डिवाइडेड बाई मॉड x माइनस 4. ओके, और प्लस में ए भी है आपके पास. एंड सिमिलरली जब आपका एक्स ग्रेटर देन 4 है इसका मतलब इधर के सारे पार्ट के लिए आपके फंक्शन की डेफिनेशन आपके पास है एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाय मॉड के अंदर अगेन एक्स माइनस 4 एंड प्लस में बी. बट आपको पता है कि मॉड के अंदर जब कभी भी कोई फंक्शन लिखा हुआ हो तो वो एक्चुअल में उसकी डेफिनेशन नहीं होती. ओके, तो हमें इस मॉड फंक्शन को भी अगेन रीडिफाइन करना पड़ेगा. तो आपको पता है कि अगर मॉड के अंदर x माइनस 4 लिखा हुआ है तो ये ब्रेक होगा आपका दो पार्ट्स के अंदर. एक होगा आपके पास प्लस में यही फंक्शन यानी कि x माइनस 4 आपका आ जाएगा प्लस में और एक आपके पास हो जाएगा माइनस में x माइनस 4. आपको पता है कि ये प्लस में x माइनस 4 कब होगा, जब आपका x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और ये आपके पास होगा जब आपका x माइनस 4 लेस देन 0 होगा. ओके, सो यहाँ से आपको ऑप्टेन हो जाएगा जब x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा तो आपकी ये पॉजिटिव वाली डेफिनेशन फॉलो होगी और जब आपका x ये लेस देन 4 होगा तो आपकी ये नेगेटिव वाली डेफिनेशन फॉलो होगी. ओके, सो ध्यान से देखिए यहाँ पे जब आपका x लेस देन 4 है यानी कि इधर के सारे पार्ट के लिए आपकी जो ये डेफिनेशन बनने वाली है वो बनने वाली है नेगेटिव में. तो ये फंक्शन आपका रिडिफाइन हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 4 एज इट इज़ और इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं माइनस का x माइनस 4 एंड प्लस में ए. तो आप अल्टीमेटली बोल सकते हैं यहाँ पे x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 1. तो आप इसको बोल सकते हैं ये आपके पास हो जाएगा a माइनस 1 यानी कि ये फंक्शन रीडिफाइन होने के बाद बन जाएगा a माइनस 1. सिमिलरली अब जब आपका x ग्रेटर देन 4 है यानी कि इधर के सारे पार्ट के लिए जो आपका मॉड फंक्शन ब्रेक होगा वो ब्रेक हो जाएगा आपका पॉजिटिव x वाला x माइनस 4 में. तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको आप बोल सकते हैं पॉजिटिव x माइनस 4. ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 4 डिवाइडेड बाई इस चीज़ को आप बोल सकते हैं पॉजिटिव में ही x माइनस 4 एंड प्लस का b. ओके, नाउ x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास फाइनल जो फंक्शन बन के आएगा वो बन के आएगा b प्लस 1. ओके, तो आपका जो मेन फंक्शन था एफ एक्स उसको आप लोग अब सेपरेट तरीके से कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल्स टू आपके पास इसकी अगेन तीन डेफिनेशंस आएंगी बट यहाँ पे ये डेफिनेशंस आपकी चेंज हो गई हैं. तो आपके पास एक कैटेगरी आएगी इफ़ एक्स इज़ लेस देन 4, आपके पास एक कैटेगरी आएगी इफ़ एक्स इज इक्वल टू 4 एंड आपके पास एक कैटेगरी आएगी इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन 4. ओके, सो जब एक्स आपका लेस देन 4 होगा तो आपका फंक्शन फॉलो हो रहा है ये वाला, तो आप यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं ए माइनस 1. सिमिलरली जब आपका एक्स इक्वल्स टू 4 है तो आपके फंक्शन की डेफिनेशन है ए प्लस बी. ओके, सो आप यहाँ बोल सकते हैं ए प्लस बी एंड जब आपका x ग्रेटर देन 4 है इसका मतलब आप लाई कर रहे हैं इधर में तो आपकी डेफिनेशन जो आ जाएगी वो आ जाएगी b प्लस 1. ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास b प्लस 1. ओके, और ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस कहाँ है, एट x इज इक्वल्स टू 4 पे कॉन्टिन्यूस है. इसका मतलब इस फंक्शन के लेफ्ट हैंड लिमिट, इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट एंड इस फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 4 तीनों आपस में आपके पास बराबर होने वाली है. ओके, तो पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू को एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 4. तो हम बोलेंगे एफ एक्स एट x इज इक्वल्स टू 4 कितना आ जाएगा आपके पास, तो वो हो जाएगा आपके पास एफ ऑफ 4 और जो डेफिनेशन आपके पास x इक्वल टू 4 के लिए है वो है आपके पास a प्लस बी. तो ये हो जाएगा आपके पास a प्लस बी. नाउ जहाँ जहाँ भी x होगा वहाँ पे आपको पुट करना है 4 बट यहाँ पे आपके पास कहीं पे भी x नहीं है, इसका मतलब यही इसका एक फाइनल वैल्यू हो जाएगी. ओके, नाउ हमें फाइंड करनी है इसके LHL की वैल्यू एंड इसके RHL की वैल्यू. तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे LHL का पार्ट, हम लोग निकालते हैं. तो हम निकालेंगे यहाँ पे LHL एट
एक्स इज इक्वल्स टू 4, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ता है क्या, उसके लिए हमें लिखना पड़ता है लिमिट एंड देन एक्स टेंड्स टू 4 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, और हमें देखना होता है कि हमारे फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी जब हमारा एक्स लेस यानी कि जस्ट छोटा हो 4 से. ओके, सो ध्यान से देखिए यहाँ पे, जब आपका एक्स जस्ट छोटा होगा 4 से तो आप अप्लाई करेंगे इस इंटरवल के अंदर, और यहाँ पे आपने डेफिनेशन बनाई है कौन सी, ए माइनस वन वाली. तो आप इसको बोल सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 नेगेटिव, एंड यहाँ हो जाएगा आपके पास ए माइनस वन. नाउ ध्यान से देखिए, यहाँ पे कोई भी एक्स का पार्ट नहीं है आपके पास, तो वो आप एच वाला पार्ट मत कीजिए, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसका आंसर आपके पास आ जाएगा ए माइनस वन. ओके, एंड सिमिलरली अगर आपको आर एच एल निकालना हो, लेट्स से आर एच एल हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं, आर एच एल एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू 4 आप लोग फाइंड कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ता है क्या, उसके लिए आपको लिखना पड़ता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 पॉजिटिव एंड देन एफ ऑफ एक्स. ओके, एंड देन आपको रिप्लेस करनी होती है इस फंक्शन की डेफिनेशन को जब आपका एक्स 4 से जस्ट बड़ा होगा. ओके, जब आपका एक्स 4 से जस्ट बड़ा होगा तो आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे, और इसके लिए आपकी डेफिनेशन है ये बी प्लस वन वाली. ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 पॉजिटिव एंड फंक्शन की डेफिनेशन है आपके पास बी प्लस वन. नाउ अगेन यहाँ पे एक्स का कोई पार्ट नहीं है तो आप लोग एच का पार्ट स्किप कर सकते हैं और डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसका आंसर आपके पास बी प्लस वन आया है. ओके, नाउ आपके पास एल एच एल आया है ए माइनस वन, आपके पास आर एच एल आया है बी प्लस वन, और आपके पास फंक्शन की वैल्यू आई है ए प्लस बी. ऑल राइट, सो आप बोल सकते हैं कि सिंस आपका फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस था. ऑल राइट, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 4 था, देयर फोर एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट 4 होनी चाहिए हमारे पास. इसका मतलब एल एच एल हमारे पास आया था ए माइनस वन, तो ये हो जाएगा ए माइनस वन शुड बी इक्वल्स टू बी प्लस वन एंड शुड बी इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट 4 क्या है आपके पास, तो वो है आपके पास ए प्लस बी. ओके, अगर आप तीनों को आपस में इक्वेट करते हैं, मान लीजिए आपने बोला कि ये इज इक्वल्स टू ये एंड देन ये अगेन इज इक्वल्स टू ये किया, आप लोगों ने देखिए आपको क्या ऑप्टेन हो जाएगा यहाँ से, तो आप बोल सकते हैं ए माइनस वन शुड बी इक्वल्स टू ए प्लस बी, एंड देन आप ये भी बोल सकते हैं कि बी प्लस वन शुड बी इक्वल्स टू अगेन ए प्लस बी. ओके, सो यहाँ से देखिए आपके पास क्या आएगा, ए से यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा बी इज इक्वल्स टू माइनस वन, एंड अगेन यहाँ पे बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा ए इज इक्वल्स टू वन. तो ये इस चीज़ का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है. आपका जब फंक्शन एक्स इक्वल्स टू 4 पे कॉन्टिन्यूस था तो ए की वैल्यू आपके पास आई है 1 एंड बी की वैल्यू आपके पास आई है माइनस वन. याद रखिएगा, जब कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो मॉड में, देन सबसे पहले आपको उसको रीडिफाइन करना होता है. ओके, तो हमने इस फंक्शन को यहाँ पे रीडिफाइन किया, एंड देन अगर ये फंक्शन हमारा एक्स इक्वल्स टू 4 पे कॉन्टिन्यूस था, देन हमने तीनों को वैल्यू को निकाला एंड तीनों वैल्यूज को यहाँ पे इक्वेट करके रिक्वायर्ड वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड कर लिया. ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग ओवरव्यू कर लें एक बार. ओके.